गुजरात में कहाँ? ये कब ऑपरेशन हुआ आपका? ये कौन दिए थे आपको? बोलो ना साहब, क्या बोले? हाँ दे तो क्या फायदा होगा? बोलो ना साहब, गलत। देखो हम कहाँ खड़े हैं? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में लोग बीमार हुए, यानी और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा किराम बीमार हुए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहने वाले सहाबा और मर्द और औरत बीमार हुए, बल्कि जंगों में जख्मी भी हुए, समझ। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमारी में या जख्मी होने में तावीज़ नहीं पहने, उनको दवा दिए, दुआ दिए, क्या दिए? दवा दिए और दुआ दिए, दुआ लिख के लटकाए नहीं, या दुआ पढ़ने की तालीम दिए। देखो यहीं पे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी रहती थी फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा। एक मतलब गई अपने बाबा के पास, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, बोले मुझे शादी चाहिए, घर में काम वगैरह के लिए हेल्प करे, मदद करे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या सिखाया उसको? बेटी को तावीज़ लिख के नहीं दिए, बेटा तावीज़ लगा लो तेरी तकलीफ दूर हो जाएगी, तेरी तकलीफ ख़त्म हो जाएगी, नहीं। बोले ए मेरी बेटी, क्या तुम्हें खादिम से बेहतर कोई चीज़ तुम्हें ना सिखाऊँ? तो सिखाया क्या? सोने से पहले 33 बार सुबहाना, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह, 33 बार अल्लाह के पढ़ना, ये सिखाए। तावीज बना करके नहीं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे थे हसन और हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु, उसको बहुत प्यार करते थे, बहुत चाहते थे, बहुत मोहब्बत करते थे। तो नज़र से बचाने के लिए, शैतान से बचाने के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते थे, وعيدكما بكلمات الله التام من كل شيطان وهام من كل عين لام, दुआ पढ़ते थे। ये नहीं कि हसन हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु को तावीज़ बना के हाथ में या गले में लटकाए, ये मौलाना मौलवी लोग करते हैं गलत करते हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के खिलाफ वर्जी करते हैं। अबू बकर, उमर, उस्मान, अली रज़ियल्लाहु अन्हु के तरीके के खिलाफ वर्जी करते हैं, हसन हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के तरीके के खिलाफ वर्जी करते हैं, इमाम हनी भाई, इमाम शाह भाई, इमाम मालिक, इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैहि अजमईन के खिलाफ वर्जी करते हैं। ये उन सब का रास्ता नहीं है तावीज़ का। आप देखो ये ऑपरेशन हो ना आपका, हैं आपको दवा दिया डॉक्टर, दवा खाए या लटकाए? खाए नहीं, क्यों? लटकाने को कोई नहीं बोला, क्यों? सबको मालूम है खाने से फ़ायदा होता है, मुसलमान को भी फ़ायदा है मालूम है, गैर मुसलमान को मालूम है। तो अल्लाह का कलाम, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ लटकाने से क्यों फ़ायदा होगा? क्यों फ़ायदा होगा? इसको भी पढ़ने से फ़ायदा है, इंसान की बताई हुई दवा खाने से फ़ायदा, अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई दुआ लटकाने से क्यों फ़ायदा? उसको भी पढ़ने से फायदा। मुसलमानों को उस रास्ते में डालना है, कुरान पढ़ो तो फ़ायदा मिलेगा, दुआ पढ़ो तो फ़ायदा मिलेगा। लटकाने से, जैसे दवा लटकाने से फ़ायदा नहीं है, डॉक्टर की पर्ची लटकाने से फ़ायदा नहीं है, ऐसे कुरान शरीफ लटकाने से फ़ायदा नहीं है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ लटकाने से फ़ायदा नहीं है, पढ़ने से फ़ायदा, पढ़ने से फ़ायदा। इसीलिए एक मिसाल दे दूँ, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो सोने से पहले आयतुल कुर्सी पढ़ेगा शैतान उसके करीब नहीं आएगा। पढ़ने का हुक्म दिया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरमाया जो हर फर्ज नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ेगा उसको जन्नत में जाने से कोई चीज़ नहीं रोक सकती सिवाय मौत के। तो क्या पढ़ने की तारीफ है ना? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, इक़्रा अल-क़ुरान फ़इन्नहु याती यौम अल-क़ियामत शफ़ीअन लिअस्हाबि, कुरान पढ़ो ये क़यामत के तुम्हारे लिए शफ़ात करेगी, पढ़ो। ये गलत रास्ता, गलत मुसलमानों को समझना, सही किया है गलत किया है, सही करना नहीं करना, ठीक है? अल्लाह आपको सलामत दे, समझ गए ना? अल्लाह आपको बात है, अल्लाह आपको मदद दे, अल्लाह ताला हम में यहाँ जितने लोग हैं अगर कोई बीमार है अल्लाह उन्हें सेहत अता, आमीन, अल्लाह उनकी बीमारी दूर कर, अल्लाह उनकी शफाए कामिल अता, आमीन, शफाए आजिल अता, आमीन, और जो सेहतमंद है अल्लाह उनकी सेहत की हिफाजत, आमीन, अल्लाह उन्हें हर किस्म की बीमारी से हिफाजत, आमीन, हर किस्म की तकलीफ से उन्हें हिफाजत, आमीन, ठीक है।